नमस्कार, फेस टू फेस के एक और नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपकी मुलाकात समय समय पर सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और कला मनोरंजन के क्षेत्र की हस्तियों से करवाते हैं। दर्शकों, अपने आज के अंक में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और कवि संदीप नाथ जी के साथ। संदीप, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। शुरुआत में केवल मैंने संक्षिप्त में कहा संदीप नाथ, लेकिन अगर उनकी पर्सनालिटी की बात करूं तो बहुत से गीत सुपरहिट गीतों के को आपने लिखा है। पेज 3, कॉर्पोरेट, सावरिया और आशिकी 2 की मैं बात करना चाहता हूं, खास जिसके लिए आपको बहुत सारे नॉमिनेशंस मिले और मिर्ची अवार्ड भी मिला, इंडिया रेडियो मिर्ची अवार्ड मिला। कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। देश में कई बार मुझे बुलाया गया नॉमिनेशंस के साथ, अवार्ड्स के साथ, लेकिन जब इस साल अमेरिका में आईफा अवार्ड्स हुए और उसमें मुझे नॉमिनेशन मिला इस गाने के लिए, तो मेरी खुशी दुगनी हुई और आज मैं उसी वजह से यहाँ हूँ। और टीवी एशिया के साथ मेरा पुराना रिश्ता रहा है, आपको याद होगा मैं 2011 में भी हम लोग मिले थे, और ये दूसरा मौका है तो मैं आया हूँ, तो इसलिए मेरी खुशी दुगनी है कि आईफा और टीवी एशिया दोनों एक साथ हो रहा है। जी दर्शकों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि संदीप ने 2011 की बात करी और 2011 में संदीप को शेयर एंड केयर फाउंडेशन संस्था लेकर के आई थी। उन्होंने शेयर एंड केयर फाउंडेशन के लिए एंथम लिखा था। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत से शेयर एंड केयर फाउंडेशन के सदस्य भी मौजूद हैं। आप सबका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। संदीप, ये एंथम के साथ किस तरह की यादें जुड़ी हुई हैं? क्या हुआ कि 2011 में मेरे दोस्त हैं पार्थिव कोहिल जी, जिन्होंने मेरा गीत यूं शबनमी गाया था, तो वो शेयर एंड केयर के मिस्टर शरद शाह जो चेयरमैन हैं उनके साथ उनका परिचय था, और उन्होंने एक बार उनसे मेरी बात कराई। फिर वहाँ से अरुण जी के साथ, अरुण भंसाली साहब के साथ मेरा परिचय हुआ। फिर धीरे धीरे वो पूरी फैमिली में, वर्षा जी, दर्शना जी, बहुत लोगों के साथ, सबके साथ फ़ोन पे मेरे बातें होने लगी। फिर शरद जी की बेटी की शादी थी, तो मुझे लगा कि मैं इनको क्या गिफ्ट करूँ, तो मैं शेयर एंड केयर की बातें सुनता था और मेरे मन में आइडिया था जो मैंने पार्थिव के साथ शेयर किया, और हमने एक एंथम बना के वहाँ से इनको भेजा, जो एंथम बन गया। एक्चुअली मैंने तो अपने दिल की बातें लिखी थी जो शेयर एंड केयर के साथ मैं शेयर करता था, जो उनकी बातें सुनता था, जो लोग यहाँ बैठ के देश में, हमारे देश में, भारत में करना चाहते थे या और समाज के लिए करना चाहते थे, और बाद में वो प्रपोजल आया कि इसको हम लोग एंथम बनाएंगे। जी, तो मैं उसकी कुछ लाइन शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। जी, कि मानवता से बड़ा धर्म नहीं कोई, सेवा से बड़ा कर्म नहीं कोई, शेयर करें हम, केयर करें हम, औरों के लिए प्रेयर करें हम। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो ये कवि की दिल की बात जो है खुल करके सामने आई है। एक शायर से जो है, जो आपने जिस तरह से कवि के मन से जो भाव निकल रहे हैं वो समझ रहा हूँ, लेकिन अगर उसको कविता के रूप में सुना जाए या समझा जाए तो मेरे ख्याल और बेहतर होगा। कुछ विमेन एम्पावरमेंट पे कुछ कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने एक गजल लिखी थी तो जिसको मैं, जो मेरे दिल के करीब है, जब भी मौका मिलता है, क्योंकि उसमें मनोरंजन कम है, उसमें एक इंगित ज़्यादा है, उसमें टीस है, तो लेकिन चूंकि मौका इतना अहम है और बात हो रही है औरतों के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि मैं चंद शेर उसके उस गजल के आपके सामने पेश करूँ। इरशाद, कि हर किसी की चाह के मिल जाए उसे अच्छी औरत, हर किसी की चाह के मिल जाए उसे अच्छी औरत, पर उसे बनने नहीं देते कभी सच्ची औरत। हर किसी की चाह के मिल जाए उसे अच्छी औरत, पर उसे बनने नहीं देते कभी सच्ची औरत। देर से हर काम होता है, शिकायत मत करो। हमारे यहां हर बात शिकायत होती है, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा है, कि देर से हर काम होता है, शिकायत मत करो, जल्द ही बन जाया करती है यहां बच्ची औरत। अरे वाह, बहुत अच्छा। कि देर से हर काम होता है, शिकायत मत करो, जल्द ही बन जाया करती है यहाँ बच्ची औरत। और क्यों गई, कैसे गई कोठे पे ये तो सोचिए, कोठा यहाँ सिंबोलिज्म है जी। कि क्यों गई, कैसे गई कोठे पे ये तो सोचिए, है बहुत आसान कह देना उसे टुच्ची औरत। और कि उसको पत्थर मत समझ लेकिन तू इतना जान ले, उसको पत्थर मत समझ लेकिन तू इतना जान ले, गीली मिट्टी भी जैसी नहीं होती कच्ची औरत। उसको पत्थर मत समझ लेकिन तू इतना जान ले, गीली मिट्टी जैसी भी होती नहीं कच्ची औरत। हर किसी की चाह के मिल जाए उसे अच्छी औरत, पर उसे बनने नहीं देते कभी सच्ची औरत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत पंक्तियां, बहुत खूबसूरत पंक्तियां।
On that note, with beautiful poetry that you recited for us, we'll take a quick short break over here and we'll be right back after these messages. Stay tuned and keep watching Face to Face. फेस टू फेस में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बॉलीवुड के मशहूर लिरिसिस्ट और कवि संदीप नाथ। संदीप, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करना चाहता हूं उस फिल्म से जिसने मेरे को लगता है कि संदीप के करियर को एक नया रुख, एक नई पहचान दी, और मुझे लगता है वो पेज 3 है। हालांकि उससे पहले कई फिल्मों में आपने गीत लिखे, लेकिन पेज 3 ने किस तरह का टर्न लाया उसके बारे में बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि सच बात यह है कि पेज 3 मेरी करियर की शायद 6वीं फिल्म थी। उसके पहले मैंने कई फिल्मों में गाने लिखे थे। तो मुझे याद है मैंने एक फिल्म देखी थी चांदनी बार, जो मधुर भंडारकर जी ने बनाई थी, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था। बट उस फिल्म में गीत नहीं थे, कहानी इस तरीके की थी। लेकिन मधुर जी का काम मुझे बहुत पसंद था और मेरे मन में एक इच्छा थी कि इनके साथ कभी मौका मिलेगा तो हम काम करेंगे। तो जहाँ चाह वहाँ रहा। एक दिन जो उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे मिस्टर शमी टंडन, उनका फोन आया जी कि आप जहाँ भी हो जल्दी से JW मैरिट पहुँचिए, क्योंकि मैं मधुर जी के साथ मेरी मीटिंग होने वाली है और मैं आपसे उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। और मैं इत्तेफाक से नज़दीक में था और मैं वहाँ पहुँचा और मधुर जी और मैं और हम तीनों ने बातचीत की और उन्होंने मुझे पेज 3 की कहानी का थोड़ा सा खाका बताया कि उसकी इस तरह की कहानी है। अच्छा, उसमें एक वजह ये थी कि मेरा नाम रिकमेंड किया जब उनको कि ये लड़का जर्नलिस्ट रह चुका है और अब लिरिसिस्ट हुआ है, और उस फिल्म में कुछ जर्नलिज्म की इर्द गिर्द कहानी घूम गई बात थी। हीरोइन जर्नलिस्ट थी और वो पेज 3 जर्नलिस्ट थी और मैं भी पेज 3 हैंडल कर चुका था दिल्ली में कुछ अखबारों में, तो वो मेरे काम आया। कुछ समांतर वो समानता थी, वो मेरे काम आया और इसलिए मुझे वहां बुलाया गया। फिर मधुर जी ने मुझे कहानी के बारे में थोड़ा बताया, चरित्रों के बारे में थोड़ा बताया और उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि इसमें ऐसा गाना लिखे जो फिल्म की कहानी को गीत में पिरो दे। जी, तो मैंने और अगर आपने ये गाना अच्छा लिख दिया तो मैं पिक्चर के सारे गाने आपको दूंगा। तो अब मेरे लिए डबल चैलेंज था, लेकिन मैंने फिर सोचना शुरू किया और आपको अगर पता हो कि एक ऐतिहासिक गाना बना कि कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ लता जी ने उस गीत को गाया और उस गीत को जहाँ तक मुझे खबर है राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। जी, 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 तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही और इसीलिए मैंने कहा कि पेज 3 जो है आपके करियर का टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। मधुर भंडारकर की आपने बात करी, बहुत सी आपकी फिल्मों करियर की जो फिल्में हैं मधुर भंडारकर, रामगोपाल वर्मा, तिग्मांशु धूलिया, साहेब बीवी और गैंगस्टर जिन्होंने लिखी और हाल ही में उनकी फिल्म बुलेट राजा आई थी, ये कुछ विख्यात डायरेक्टर्स के साथ आपका अच्छा तालमेल रहा है, क्या कुछ कॉमन है इस पे? मेरे करियर में लगभग 60 फिल्में मैंने करने का मुझे मौका मिला है और जिसमें से ये जो 3 डायरेक्टर स्पेशली आपने दिए इनके साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं और आज भी लगातार ये लोग मुझे बुलाते हैं काम के लिए। तो तीनों 3 तरीके के मेकर हैं। रामगोपाल वर्मा एक नॉन हिंदी बेल्ट से आने वाले डायरेक्टर हैं, बट उनको उनकी फिल्मों के अगर आप नाम देखेंगे तो बड़े हिंदी निष्ठ होते हैं। सत्या, निशब्द, अज्ञात, आप देखेंगे सरकार की बात करने वाले तो बड़ा ही अच्छा, लेकिन फिल्म वो बड़े अलग तरीके की बनाते हैं। कहानी का चुनाव बड़ा अलग होता है, पात्रों का चुनाव अलग होता है। दूसरे मधुर भंडारकर जो एक मराठी है, बॉम्बे के लड़के हैं रहने वाले, उनकी फिल्मों में रियलिस्टिक अप्रोच होता है, चाहे वो पेज 3 हो, कॉरपोरेट हो, फैशन हो, जेल हो। और तिग्मांशु धूलिया उस क्षेत्र से आते हैं जहां से मैं आता हूं, हिंदी बेल्ट से, उत्तर प्रदेश से जी, और उनकी फिल्मों की कहानी थोड़ी सी नॉर्थ इंडियन टच के साथ होती है, रियलिस्टिक अप्रोच भी होता है, उसका ड्रामा थोड़ा डिफरेंट किस्म का होता है। तो लेकिन होता क्या कि जब एज ए क्रिएटिव पर्सन जब आप काम करते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ कहानी और कैरेक्टर जी वो प्रधानता होती है हमारे लिए, और डायरेक्टर का एक अप्रोच होता है कहानी कहने की तरफ। क्योंकि हमारी फिल्मों में गाने होते हैं और गानों का 2 प्रकार का रोल है, फिल्म के साथ भी, फिल्म के बाद भी जी, यानी जब वो फिल्म के साथ आए तो फिल्म का हिस्सा लगे, जब फिल्म के अलावा वो नजर आए तो अपने आप में एक पीस ऑफ आर्ट हो जिसमें 14 लाइन, 16 लाइन या 5 मिनट में सारी बात लोग उसे बार बार सुने। क्योंकि जब रेडियो में गाना सुना जाता है तो उसमें कुछ विजुअल नहीं दिखता, लेकिन जब वही गाना टेलीविजन पे या फिल्म में देखा जाता है तो विजुअल के साथ। तो एक गीतकार की जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के गीत की रचना करे जो फिल्म के साथ भी काम करे और फिल्म के बगैर भी काम करे, अगर ऐसा हो सके तो वो अच्छा गीत होता है। तो जब मैंने इनके साथ शुरू किया तो मुझे लगता जो उन्होंने काम मुझे सौंपा मैंने ठीक से किया, तो इस लोग इनका विश्वास मुझ पर जम गया है जी, और अब ये लोग हर बार मुझे मौका देते हैं और मैं आगे भी इन लोगों के साथ अलग अलग फिल्मों में काम कर रहा हूँ जी। तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और जहाँ तक आपका सवाल का दूसरा हिस्सा कि तीनों में अलग क्या है,
तीनों ही अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड है और इन्हें जो चाहिए वो चाहिए जी। दर्शकों यहाँ पर एक बार फिर से मैं शेयर एंड केयर फाउंडेशन के सदस्यों के पास पहुँचना चाहूंगा। आप में से कोई और किसी के पास कोई फिल्म से संबंधित कोई सवाल संदीप नाथ के लिए? मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जब पिक्चर में के लिए गाने लिखते हैं तो आपको सिचुएशन बताई जाती है, लेकिन पहले वो टच बनाते हैं और फिर आप गीत लिखते हैं या आपके गीत पर वो टच बनाते हैं? आजकल के जमाने, पहले जमाने में ऐसा होता था कि गीत जो है वो पहले लिखा, यानी शब्द पहले लिखे जाते थे, फिर उनको स्वरबद्ध किया जाता था, यानी धुन बनाई जाती थी। बट आजकल थोड़ा उल्टा हो रहा है कि पहले हम लोग धुन बना लेते हैं, बाद में उसमें शब्द डाले जाते हैं। तो ऐसे में गीतकार के ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन मेरे गीत सुनने के बाद शायद अभी तक समझना मुश्किल है कि धुन पहले बनी है या गीत पहले लिखा गया है, लेकिन ज्यादातर गीत मैंने जो है वो धुनों पे लिखे हैं। संदीप जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड, एंड वी नो दैट लॉट ऑफ वुमेन्स इश्यूज have to do with very deep-seated social thinking that are like people are really brainwashed with it. And if we want to bring a social change, how Bollywood and media can play a role to make that happen? बहुत अच्छा सवाल है आपका। चूंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और बॉलीवुड अब मीडिया का एक हिस्सा है जो एंटरटेनमेंट के साथ अपनी बात कहता है, मुझे लगता है कि बॉलीवुड का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है उसके ऊपर। और कुछ अच्छे मेकर्स ऐसा काम करते रहे हैं पहले भी और अभी भी करते हैं, और महिलाओं की समस्या को लेकर पहले भी बहुत बड़ी फिल्में बनी हैं। मदर इंडिया हमारे देश की एक ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत सारे मुद्दों को कहानी के रूप में लाया गया है, लेकिन एक औरत की कहानी है जो क्या क्या फेस करती है। सुजाता एक फिल्म थी, बंदिनी एक फिल्म थी जो मुझे इस वक्त याद आ रही, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। भवंडर एक फिल्म थी जिसमें बहुत सीरियस बात कही गई थी। तो इस तरीके से बॉलीवुड में पहले भी किया है, लेकिन इसको हम और फोकस करके और सही नजरिए से लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मैं एक बात और यहाँ कहूँगा अपनी फ्रेटर्निटी की तरफ से कि जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, वो लोग जैसे उन्होंने पोलियो के लिए बहुत काम किया, आज हम सुनने में ये आ रहा कि पोलियो हमारे देश से ख़त्म हो चुका है जी। कुछ पुरानी फिल्मों की आपने बात करी, लेकिन इसी तरह की एक फिल्म विद अ मॉडर्न ट्विस्ट जो बनी है, क्वीन जो है, एक फिल्म हाल ही में आई है, वो भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक विमेन एम्पावरमेंट की फिल्म है और जिससे हर पीढ़ी जुड़ पाई है, क्या कहेंगे? नहीं, ये भी एक नजरिया है। अब देखिए, औरतों को पहले से ज्यादा स्वतंत्रता मिली है, वो अलग बात है कि वो बहुत अभी कम है, उसमें बहुत ज्यादा अभी जरूरतें हैं। बट क्वीन में ये कहानी कहने की कोशिश की गई है कि औरतें स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता दिमाग, एक्चुअली दिमागी बात है, मन में स्वतंत्रता सबसे पहले आती है। तो अगर पहले आप मन में स्वतंत्रता आपके आएगी, तब आप असली स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगी। तो उसमें भी एक तरीके से समाज पे एक चोट करने की कोशिश की गई है कि एक लड़की कैसे बगावत करती है, उसका बगावत करने का तरीका थोड़ा निराला है, और उसमें एक एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का पुट भी है। तो ये एक नई शुरुआत है, नए सोच, नए तरीके से कहानी कहना और नया चरित्र गढ़ने की एक शुरुआत है जो क्वीन में कही गई। तो मुझे तो बहुत अच्छा, मतलब उसके जो डायरेक्टर है मिस्टर विकास बहल, मैं उनको बधाई देता हूँ, कंगना रनौत को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, जो लोगों ने पसंद किया, जनता ने भी पसंद किया। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फेस टू फेस में संदीप नाथ से बातचीत जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आज फेस टू फेस के अंक में हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के मशहूर लिरिसिस्ट और पोएट संदीप नाथ। संदीप जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। कार्यक्रम के इस पहर में मैं एक बार फिर दर्शकों का ध्यान आशिकी 2 की ओर ले जाना चाहूंगा। एक खूबसूरत एल्बम, रोमांटिक एल्बम, जिसके साथ बहुत से लोग जुड़े, खासतौर पर युवा वर्ग जुड़ा, और बहुत से अलग अलग गीतकारों ने उस एल्बम के लिए गीत लिखे। आपका गीत बहुत उभर के आया, सब किसी की जुबान पर है, क्या कहेंगे? देखिए, हर गीत अपने आप में एक अनोखा होता है। तो जब आशिकी 2 बन रही थी तो इसके सारे गीत बन चुके थे, बट उनको एक जो सिचुएशन, जिस सिचुएशन पे वो गाना आया, फिल्म उसी गाने से शुरू होती है, उस सिचुएशन पे उनको कोई गाना मिल नहीं रहा था। और थोड़ा मैं पीछे ले जाता हूँ कि एक फिल्म आई थी साहब बीबी और गैंगस्टर जी, पहली वाली, फर्स्ट पार्ट, जिसमें 5
म्यूजिक डायरेक्टर थे और मैं अकेला लिरिसिस्ट था, बिकॉज तिग्मांशु धूलिया वाज वेरी क्लियर कि मेरा लिरिसिस्ट चेंज नहीं होगा। तो उसमें एक म्यूजिक डायरेक्टर अंकित तिवारी भी आया, 5 संगीतकारों में से, जिसके साथ मैंने उसमें थीम सॉन्ग किया था जी। तो वो करने के दौरान हमारे बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री बनी, वो भी यूपी से है, हम लोग भी, मेरी ननिहाल भी कानपुर की है, वो कानपुर का रहने वाला है, तो हम लोग अक्सर मिलने लगे, बातचीत करने लगे। तो एक दिन उसने एक मुझे धुन सुनाई कि दादा, वो कहता प्यार से मुझे कि दादा हमने एक धुन बनाई है। तो धुन सुनने के बाद मैंने कहा इसको कुछ अलग तरीके से यार हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, जो एक रोमांटिक गाना अलग नजरिए से हम लोग बनाते हैं। तो वो हमने उस तरह की लाइनें लिखी कि मुझको इरादे दे, कस्में दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, इस तरह से गाना वो बना है। अब उसने वो गाना मोहित सूरी को सुना दिया, तो मोहित सूरी को गाना बहुत पसंद आया, जो डायरेक्टर हैं आशिकी 2 के, बट उनके दिमाग में ये नहीं आया था कि ये गाना आशिकी 2 में लेना है। उन्होंने अपना गाना अपने पास ले लिया कि भाई अगर आप ये गाना किसी को देंगे तो मुझसे एक बार बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझे गाना ये पसंद है, कहाँ इस्तेमाल होगा मुझे अभी पता नहीं, जबकि वो आशिकी 2 बना रहे थे जी। उसके बाद वो जो पहले गाने की जो सिचुएशन है हमारे गाने की, उसमें उनकी कुछ बहस चली, बट उनको कुछ वो गाना मिल नहीं रहा था, जो भी बन रहे थे गाने अच्छे बन रहे थे बट वो लोग सेटिस्फाई नहीं थे पूरी टीम। फिर एक दिन उन्होंने वो गाना महेश भट्ट जी को और मुकेश भट्ट जी को सुना दिया, और उस फिल्म की जो राइटर थी शगुफ्ता रफीक भी वहां बैठी हुई थी, इन सब ने कहा यही तो गाना चाहिए, यही तो हमारा कैरेक्टर है। तो उसके बाद उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने कहा कि ये जो गाना है हम अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं, बट इस गाने को आगे लिखना है, इस तरह से लिखना है, क्योंकि ये गाना फिल्म में 2 बार आएगा और हीरो भी गाएगा और हीरोइन भी गाएगी, दोनों के कैरेक्टर की स्थितियां अलग अलग हैं जी। तो फिर हमने मुखड़े में तो ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, अंतरों को उस हिसाब से लिखा जो लड़का लड़की दोनों पर आ जाए, और उसके बाद हमने गाना बना दिया जी। अब गाना बनाते वक्त हमें तो पता नहीं होता गाना का भविष्य क्या होगा, गाने का भविष्य क्या होगा जी, बट ये जब फिल्म आई और गाना शुरू हुआ, अच्छा उसके पहले तुम ही हो गाना आ चुका था, वो भी हिट हुआ, बट जब उसके बाद ये गाना भी आया तो इस गाने ने तो मतलब लोगों के दिलों में जगह ऐसी बनाई कि हमें भी पता नहीं था गाना इतना हिट होगा, और आज मुझे जो भी थोड़ा बहुत नाम मान सम्मान मिल रहा है वो इस गाने की वजह से मिल रहा है, और आज शायद मैं आपके सामने जो बैठा हूँ उसमें इस गाने का बहुत बड़ा रोल है जी, बहुत बड़ा योगदान है। आशिकी 2 जब आई और इतने खूबसूरत गीत और सब उसकी बात कर रहे थे, उस दौरान एक सिंगर जो है कंपोजर भी है, मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने गीत खुद लिखे, लिरिक्स खुद लिखे या नहीं, जो बहुत चमक के आए, उभर के आए, वो थे योयो हनी सिंह। लुंगी डांस की बात होने लगी, पार्टी ऑल नाइट, पानी पानी पानी, इस तरह के गीत आने लगे, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए क्या है कि अगर मैं पीछे ले जाऊं आपको, तो उस जमाने में भी RAT रेड रेड मैंने चूहा और मेरा नाम चिन चिन चू, तो इसको सो कॉल्ड एक फ्लेवरिश सॉन्ग मैं कहूंगा, एक मूड है, एक प्रकार का मूड है। अब अच्छा बुरा क्या है ये तो दर्शक हमारे भगवान है, उनको तय करना है, चूंकि 9 रस हैं, हर रस को गीत जो है में सभी रस आ जाने चाहिए। सिर्फ मैं पर्सनली मानता हूँ विभत्स रस छोड़ के विभत्स रस पे गाना नहीं बनना चाहिए, कहीं जब तक बहुत जरूरत ना हो। तो ये भी एक मूड है जो योयो हनी सिंह जिस मूड को लेकर चलते हैं, तो उसके लिए भी जगह, बॉलीवुड बहुत बड़ा हो चुका है, दर्शकों की उम्मीदें और चाहत बहुत बड़ी हो चुकी हैं, तो उसमें वो भी फिट होता है कहीं ना कहीं। लेकिन अब मेरे को अभी तक वैसा गाना लिखने का ज्यादा मौका नहीं मिला, ना मुझे बुलाया गया, मुझे ज्यादातर रोमांटिक या मीनिंगफुल गानों के लिए बुलाया जाता है, तो जब वैसा मौका कभी आएगा तो शायद देखेंगे तब क्या होता है। तो ठीक है, हर चीज चलती है बाजार में, तो वो भी है, चलिए जो बिकता है सो चल, जो चलता है, जो बिक रहा है वो चल रहा है, हाँ, जो चल रहा है वो बिक रहा है, जो चल रहा है वो बिक रहा है। एक गीत के लिए जब डायरेक्टर आपको अप्रोच करता है, आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, कि क्या ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये गीत किस किन किन एक्टर्स के ऊपर पिक्चराइज किया जाएगा, ये जानने का प्रयास करते हैं, या ये जानने का पहले प्रयास करते हैं कि उसके कंपोजर कौन है, किन किन चीजों पर आप गौर करते हैं एक गीत के लिरिक्स लिखते वक्त? हाँ देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जब गीत का क्या होता है, गाना क्या है, एक म्यूजिकल इंटरप्रिटेशन है जिसके मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं, एक है गीत जो शब्द है बोल, दूसरा है उसकी धुन, और तीसरा है उसका गायन सिंगिंग। तो जैसे अब जो बोल है वो विचार देते हैं, थॉट देते हैं, जो ट्यून है, जो कंपोजिशन है वो वातावरण एटमॉस्फेयर देती है, और वो जो आपका सिंगिंग है वो कैरेक्टर देता है गाने को, और इन तीनों को हमें कहानी और डायरेक्टर के मिजाज के साथ लेके चलना पड़ता है। तो ऑब्वियसली मैं डायरेक्टर से मुझे बताते हैं कि ये इस कहानी की सिचुएशन है, मेरे कैरेक्टर लगभग इस तरीके से हैं, और अगर तब तक एक्टर फिक्स हो चुके हैं तो एक्टर भी बताते हैं, तो उससे भी एक आइडिया मिलता है। जब आप गाना सोचते हो, विजुलाइज करते हो, तो वो एक्टर आपकी नज़र के सामने रहता है, तो उससे सुविधा होती है।
साथ साथ जो म्यूजिक के कंपोजर हैं, जो गाने के कंपोजर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके साथ बैठते हैं, क्योंकि शब्द और धुन का एक बहुत अच्छा सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, नहीं तो गाने में मजा नहीं आएगा। और वो जितना अच्छा सम्मिश्रण होगा शब्द का और धुन का, गाते वक्त सिंगर को उतना आराम होगा, उतना उसको स्कोप मिलेगा गाने में चरित्र डालने का। तो ये एक टीम एफर्ट है जिसमें हम लोग एक एक हिस्से की जिम्मेदारी लेते हैं, इन सब मिलकर काम करते हैं, और डायरेक्टर जितना ज्यादा हमें ब्रीफ देते हैं, जितना वो क्या सोच रहे हैं, किस तरीके का उनका मन में चल रहा है, इस गाने को वो कैसे ट्रीट करने वाले हैं, हमारे लिए उतना आसान होता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ जी, एक फिल्म आई सरकार, तो उसमें अमिताभ बच्चन जी का जितना आज तक हमने जैसे देखा था उससे बिल्कुल अलग नजर आ रहे थे। बिल्कुल, रामू जी ने जब मुझे अपने ऑफिस में बुला के कटआउट दिखाया तो अमिताभ बच्चन को मैंने पहली बार काले ड्रेस में, तिलक लगाए हुए, चश्मा एक अलग तरह के, रुद्राक्षी माला हाथ में, एक नए गेटअप सेटअप में देखा। तो समझ, अब उनके लिए एक गाना बनाना था जो उनके चरित्र के साथ भी जाए और पूरी पिक्चर की कहानी के साथ भी जाए, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। मैंने कुछ गाना लिखा जिसको, जो अच्छा था रामू जी के हिसाब से, बट बोले मुझे कुछ और चाहिए, क्या चाहिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। अब सोचिए डायरेक्टर जो पूरी फिल्म बनाने जा रहे हैं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, वो भी बता नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली उन्हें क्या चाहिए। तो हम सब एक अंदाज से एक लड़ाई लड़ रहे थे। फिर उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी शूटिंग करता हूँ, फिर हम लोग इस गाने पर बैठते हैं। तो उन्होंने उसके बाद थोड़े दिन शूटिंग की, हमने शूटिंग पे भी एक दिन बुलाया, मैं बैठ के चुपचाप ऑब्जर्व करता रहा बच्चन साहब कैसे अपने कैरेक्टर के साथ हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से बोले जा रहे हैं, वो दूसरे चरित्रों के साथ कैसे डील कर रहे हैं। उसके बाद रामू जी ने वो पूरे सीक्वेंस को एडिट करके मुझे दिखाया, अगर आप लोग को याद हो, जिसमें अमिताभ बच्चन बैठे हैं और जाकिर उनके पास आते हैं और वो कुछ कहते हैं और कहते हैं मैं वो करता हूँ जो चाहे समाज के खिलाफ हो या भगवान के खिलाफ हो। ये देखते देखते मेरे मन में एक बात आई कि ये तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे मॉडर्न कृष्ण हो भगवान और वो आज के ज़माने में हो तो वो उस तरह की बातें करेंगे जी। तो वहां से गोविंद शब्द मन में आया, और अगर गोविंद को बार बार आप बोलेंगे तो गोविंदा गोविंदा जैसा सुनाई देगा, लेकिन वो गाना सिर्फ गोविंदा गोविंदा नहीं, उस गाने में पूरी कहानी है कि शहर शहर के हजारों सवाल, सवाल जिनके ना कोई है जवाब, जवाब अगर कोई है जवाब, कुछ ना सही कुछ ना गलत, जो भी है वो ताकत है, एक तंत्र उसका अपना दरबार, ये चलन है उसका कारोबार, इस पार उस पार सरकार सरकार गोविंदा। और वो गाना पिक्चर पे ऐसा बैठा उनके चरित्र के ऊपर, इतिहास बन गया जी। और आज भी मुझे जो है खुद बच्चन साहब ने और खुद रामू जी ने बहुत शाबाशी दी इसके लिए, और मुझे लगता तो ये एक उदाहरण था कि गाना कैसे बन सकता है, तो ये बड़ा अलग सा उदाहरण था जी। बहुत बहुत अच्छा तरीके से आपने उसका उल्लेख किया और समझाया हमारे को। एक बार फिर से दर्शकों की ओर रुख करते हैं, और मेरे ख्याल से एक नन्हा ऑडियंस जो है हमारे साथ, शी वॉन्ट्स टू आस्क अ क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। What was your greatest challenge writing Sun Raha Hai? Every song is a challenge. When we do a new song, all the time we feel a new challenge. But as far as this song is concerned, the only challenge was in my head, the previous Aashiqui was a big hit, big musical hit. So we have to match that level of creativity. So it was a bit bothering my head ki should we be able to do that or not, but while making the song, whatever the director needed and what came in my mind, I wrote accordingly. But finally, the audience is the god and they have loved the song, and so that way I say there was no challenge, but that was the only challenge in my head, that previous Aashiqui was big hit. So by the grace of God, we have matched the this Aashiqui with that Aashiqui, and it is liked by everybody. जब आप खुद इंस्पायर होते हैं किसी को, कोई घटना देख के और सॉन्ग लिखते हैं और आपको लिखाया जाता है ये सिचुएशन देख के, उसमें फर्क है। तो आप, मैं सोचती हूँ कि आप खुद का शो कर सकते हैं, एक आइडिया है कि खुद का शो, खुद के इंस्पायर शो, वो हिट जाएगा, आपने कभी सोचा है और कर रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए क्या है मैडम, एक आर्टिस्ट का काम है ग्रो करना, जैसे पानी बहता है हवा बहती है, वैसे एक आर्टिस्ट का मन पानी और हवा जैसा होना चाहिए, जिसका काम है आगे बढ़ना बहना। तो जैसे जैसे हम लोग लाइफ में ग्रो करते हैं, जैसे जैसे चीज़ें देखते हैं और जैसे जैसे काम करते चलते हैं, हमें नए नए आइडियाज़ आते हैं, अपना अनुभव, दूसरे का अनुभव, जो अपना एक्सपीरियंस है और जो दूसरों का एक्सपीरियंस है, इसको मिलाकर हम लोग एक कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने जो सुझाव दिया, इस मेरे मन में भी कुछ चीज़ें थी इस तरीके की, तो मैं ज़रूर इस पर बहुत गंभीरता से विचार करूंगा और कोशिश करूंगा कि शायद शेयर एंड केयर के साथ ही मेरी शुरुआत हो कार्यक्रम को। अब हम दर्शकों, संदीप नाथ के साथ बहुत अच्छी दिलचस्प बातचीत रही और एक बहुत खूबसूरत समा बंधा यहाँ स्टूडियो के अंदर, और ये कह सकते हैं कि जहां हम एक और
गुलजार साहब की बात करते हैं, जावेद साहब की बात करते हैं, वो एक पीढ़ी है और एक पीढ़ी ये है जो संदीप नाथ एक युवा पीढ़ी के साथ आए हैं, इरशाद कामिल हैं जैसे, ये कुछ नए लेखक हैं, लिरिसिस्ट हैं जो बॉलीवुड में एक नया मकाम बना रहे हैं, एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर जोड़ रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां टीवी एशिया में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।